ये चेक करो गाइस, सुबह के देखो एग्जैक्ट 5 एंड गाइस अभी हम लोग हैं केदारनाथ में। गाइस चेक करो देखो ये रहा जोशी, कितना मजा कैसा लगा? देखो पैर ठंडा लगा, अब मजा आ रहा है ना? देखो गाइस यही तो होता है, यही तो होता है गाइस। पाल लीजिए दर्शन हो गए भाई, चेक करो भाई पाल दर्शन। हम लोग बाहर खड़े हैं भाई, करण का करण भाई, तेरी गलती नहीं है, इसकी गलती इसकी है, इसकी मेरी गलती है। आज तो मेरे पास होता करण, शिट यार, कम से कम एक घंटा कम से कम। जय श्री केदार, कैसे सारे होप सब अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे गाइस, मैं एकदम मस्त हूं। एंड गाइस अभी सुबह के बज रहे गाइस, ये चेक करो गाइस सुबह के, देखो एग्जैक्ट 5 ये चेक करो। एंड गाइस अभी हम लोग हैं केदारनाथ में बेस कैंप में। एंड गाइस हमें ट्रैक करना है इस साइड को। एंड सुबह का समय नहाया भाई फुल पावर मस्त भाई, इतना ठंडा हो रहा था पहले तो, जब नहाने से पहले भाई इतना ठंडा लग रहा था क्या ही बताऊँ। नहाने के बाद भाई जो फील आया ना भाई, मजा आ गया, बॉडी फ्रीज हो गई, ठंड का पता नहीं चला, और अब तो भाई बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है, मजा आ गया एकदम भाई। जो तो बाकी बंदे ना वो सारे बंदे रहे कैंप में, बाकी करण और अंकुश ऊपर जा रखे, तो चलते ऊपर जाके लाइन लगाते हैं। अभी जो सारे बाकी बंदे ना वो आ जाएंगे, फिर वहाँ पीछे लाइन में लग जाएंगे क्योंकि इनको आने में भी काफी देर है। ओके मैं आपको दिखाता हूँ अंदर चल रहा है गाइस, चेक करो इधर पे सारे बंदे, चलो निकलते हैं पावर गंपुआ। तो गाइस अभी मेरा ट्रैक स्टार्ट हो गया मेरा गंपुआ का, बाकी जो बंदे ना सारे हमारे वो भी कैंप में ही है, वो भी थोड़ा पीछे धीरे धीरे आ जाएंगे, उनसे पहले हम लोग जाते हैं लाइन लगाते हैं। एंड जैसे वो आ जाएंगे ना उनको अंदर लाइन में एंट्री दे देंगे। और ये चेको ये हमारा ट्रैक है जा रहा है भाई, सुबह भाई जो मजा आ रहा है ना भाई ट्रैक करने में, और नहा के तो भाई अलग ही फील आ रहा है, मतलब ऐसा हो गया भाई। हम अभी ना टंकी दिखाऊंगा जब हम लोग नहाए थे, और कैसे नहाए थे वो आप लोग इमेजिन कर लेना। गए चेक कर दो ये रहा जोशी, मजा कैसा लगा? देखो पैर ठंडा लगा, अब थोड़ा गर्म लग रहा है। जय बोले की सर, ये वो टंकी जहाँ नहाए थे अभी। कल हम लोग ना वहाँ पर टॉप पे चल रहे थे एकदम टॉप ऊपर, उस जगह पर थे, मुझे उस जगह पर ये टूटी हिल दिख रही आपको यहाँ पर। बाकी गाइज ये सुबह का वक्त है और 5-10-15 हो रहे होंगे शायद, ये कुछ 5-10 हो रहे हैं। और ये सुबह का वेदर, तो हम लाइन में लगना है और दर्शन करना है। अभी हम लोग बहुत ही हेलीपैड है, हेलीपैड है एंड यहाँ से हमें जाना है श्री केदार, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, अब ये कुछ 300 मीटर के आसपास होगा। एंड चल के फटाफट से लाइन लगाते हैं भाई, मज़ा आ रहा है फुल, और इतने सुबह सुबह दर्शन मिल जाएंगे ना तो अलग मज़ा आएगा। मैंने कहा पिछले साल आपको बताया था जो आपदा आई थी साइड आई थी, और ये रास्ता जो है ना नया बना हुआ है, पुराना रास्ता जो है ना उस साइड से है। हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं श्री केदार धाम, हम लोग प्रसाद लेते हैं अभी। एंड गाइस मैं श्योर नहीं हूँ कि हमें वहाँ ब्लॉग बना देंगे या फिर नहीं देंगे, अगर दिया तो वेल एंड गुड तो बनाऊँगा, अगर नहीं दिया तो भाई प्लीज़ कोई ब्लॉग मानना। गाइस चेक करो यार क्या तगड़ा व्यू आ रहा है भाई, एक नंबर यार एक नंबर भाई। पता हम लोग ब्लॉग वगैरह करते हैं ना तो पता है हमारी मेमोरीज के रूप में हमारे पास रह जाती है, और हम लोग उसको भाई बाद में भी देख सकते हैं, इसलिए है ना थोड़ी याद ताज़ा हो जाती है तो अच्छा लगता है वो चीज़ देख के। तो वैसे प्रसाद ले लेते पहले, ले लो मजबूत है इलाज के साथ, बारिश में भी दिक्कत नहीं है, कागज वाला ले जाओगे तो कागज है, लेकिन अभी इस टाइम बारिश में थोड़ा दिक्कत है। मंदिर के पीछे बड़ा पत्थर भीमशिला, उसके थोड़ा ऊपर आसपास है, बाकी आपके घर में इस प्रसाद ले लिया हम लोगों ने, ये हमारा प्रसाद। एंड उन्होंने बताया कि दर्शन करने तो इस साइड से, इस वाले वे से जाओ, और वहाँ घूमने तो वैसे जाओ। तो चलो गाइस अभी लाइन लगाते हैं अपनी फटाफट से, मतलब अच्छे इंस्ट्रक्शन मिल गए, और अब चलते हैं प्रसाद देंगे और प्रसाद चढ़ाते हैं। पापा की गाइस व्यू चेक करो यार, गाइस आपदा के टाइम पे ना सब खत्म हो गया था, और ये देखो भाई यहाँ से पूरी बाढ़ चली थी इस साइड से, पूरा भाई लोग पता पूरा ही चेंज हो गया यार, पिछले बार हम लोग कैसे कैसे आए थे, इस बार कैसे कैसे जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। इस साइड में सीढ़ियाँ बन गई है, इस साइड काम चल रहा है, ये रास्ता है। फाइनली गाइस द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, हम लोग पहुंच गए भाई श्री केदारधाम,
एंड अब लाइन लगाएंगे और भाई दर्शन करेंगे। गाइस भीड़ चेक करो यार, कितनी ज्यादा भीड़ हो गई है। हेलो, ये ना भाई पीछे रह गया था, आ गया भाई मैं मिल गया भाई ये बंदा लोगों की अच्छाई कर रहा था, मैंने कहा चल ठीक है अच्छाई कर रहा था, ये जाके पीछे एक लाइन में लग गया, बाद में इसको पता चला कि कैसे हो गया था। फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं, यहाँ फोन वगैरह अलाउड नहीं है, थोड़ा फोन बंद कर रहा हूँ। ठीक है गाइस चेक करो, हम लोग अंदर तो आ चुके हैं एंड ये देखो भाई यहाँ लाइन लगी बड़ी इस साइड। ओले 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 भाई मजा आ रहा है इधर तो, मतलब दो स्टेप ही इधर पार करना है, उसके बाद सामने दिख रहा है केदारनाथ धाम। गाइस मेरे को ना पता कौन दिखा रहा है साथ का, राज भाई दिखे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। गाइस चेक करो उधर वो रे अभी उनके पास पहुँचते हैं फिर मिलते हैं। गाइस ये देखो ये रे एक मिनट आधा घंटा हो जाता है। गाइस चेक करो देखो ये हमसे आधा घंटा पीछे रहते हैं। गाइस हम लोग इनसे आधा घंटा आगे, फिर और तो भाई पाँच छः घंटे आगे पीछे। क्या कर रहा था पीछे? मैं क्या कर रहा हूँ भाई? धक्का लग गया मंदिर परिसर पागल का काम कर रहा है, भूल गया था थोड़ा। गाइस चेक करो सामने तो केदारनाथ बाबा का मंदिर, और गाइस मैं हमको इधर खड़े हुए हैं फुल पावर मस्त। वो भाई सब यहाँ पे आ गए लेकिन लाइन में लग गए। क्या सर सब दिख गए? और हम सारे बंदे जो ना भाई दिख गए हैं, सब लाइन में लग गए हैं, लेकिन वो हमसे अभी चार घंटे दो घंटे पीछे हम सब, तो हम लोग दर्शन करके आगे चले आएंगे, वो दो घंटे बाद आएंगे। ओके चेक करो भाई व्यू क्या तगड़ा आ रहा है भाई, तो सामने ग्लेशियर देखो कितना बड़ा है भाई। फाइनली गाइस चेक करो मंदिर के लोग बाहर पहुँच चुके हैं हम लोग, और बस अब दर्शन होने वाले हैं। लिटरली भाई हमने बहुत वेट किया है इस समय का, और अंदर जाएंगे भाई। अंदर तो मैं ब्लॉग दिखाने, अंदर ब्लॉग बना नहीं पाऊंगा क्योंकि भाई अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। और वो सामने चेक कर देखो भाई क्या तगड़ा लग रहा है। दर्शन हो गए भाई, चेक करो भाई फाइनल दर्शन हो गए, हम लोग बाहर खड़े हैं भाई, इतना अच्छा लग रहा है ना भाई, मतलब एक साल मतलब कुछ महीने फिर से भी दर्शन करने आ गया। चेक करो गाइस श्री केदार धाम, इस ब्लॉग पे ज्यादा मैंने खींचूंगा, बस लड़कों वेट करते हैं फिर निकलते हैं। भाई सब हम लोग जा रहे भीमशिला की तरफ भाई, एक नंबर जगह है भाई, जगह नहीं बोलूंगा धाम बोलूंगा भाई। यहाँ पे आके पता इतना अच्छा लगता है ना भाई, मतलब फ्रेश फील होता है। और भाई जिसके भाई जो केदारनाथ नहीं आना, एक बार आओ भाई, प्लीज आओ। अब ये सब चीज़ें तो होती है, बिजनेस तो हर जगह होता ही है, मंदिरों में कहाँ पर बिजनेस नहीं, सब जगह बिजनेस है। लेकिन अपनी अच्छी भावना से आओ, दर्शन वगैरह करो भाई, बस क्या बोलो भाई। तो हम लोग गए भीमशिला जा रहे हैं, बाकी गाइस आप लोग रश चेक कर सकते हो कितना ज़्यादा रश है, और भाई कितनी ज़्यादा भीड़ है। और ये भाई स्टार्टिंग के टाइम है ना, तो इसलिए भीड़ काफ़ी है। तो चलो मैं आपको भीमशिला दिखाता हूँ अभी। गाइस चेक करो देखो, ये भाई भीमशिला पर्वत भाई, जिसको इसके बारे में पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। इस पत्थर ने ना आपदा से श्री केदारनाथ को बचाया था, इतना बोलूँगा। बाकी गाइस भीम की क्या हिस्ट्री है वो आप लोग जाके पढ़ लेना, आपको जब समझ में आ जाएगी। गाइस चेक करो क्या जगह है यार, ऐसे भीम पत्थर, यहाँ पर लोग आज फोटो खिंचा रहे हैं। चेक करो ये प्रॉपर भीमशिला देखो, मतलब इसका बैक साइड देख रहे हो, इस पूरे पत्थर ने, इस पूरे भीमशिला पर्वत पत्थर ने पूरे केदारनाथ को बचाया था। फिलहाल का दर्शन हो गए हैं, हम आप लोग करण का वेट करेंगे, हम उसका वेट करेंगे, अब सारे दोस्तों का वेट करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे गाइस भैरव बाबा मंदिर। हम लोग ट्रैक स्टार्ट करते, क्या बोलता है? ट्रैक स्टार्ट कर ले रहे हैं, वैसे रुक रही है, हम कमरे पर आराम कर ले। हाँ वही ना, तो चलो हम लोग ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं एंड हम लोग जा रहे हैं, कह रहे हम लोग भैरव मंदिर जा रहे हैं। हम लोग अपने शूज ले लेते हैं फिर निकलते हैं गाइस। गाइस अभी ना मैं अंकुश और करण को चढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत पीछे रह गए थे, दिख जाए एक बार उनको चढ़ाऊंगा बढ़िया करके। और अंकुश मुझसे साथ ही है, वो लोग लाइन लगे पड़े हैं और हम यहाँ तक पहुँच गए। सही है अंपो, अच्छा है गाइस। हमारे शूज़ का था 49 नंबर, अपने शूज़ का बैग लेते हैं और निकलते हैं। यहाँ क्या शायद से कुछ पे ना करना पड़े, क्या लगता है? फ्री सेवा तो भाई बहुत अच्छा, सब जगह पे करना है। गाइस गंपू गया अपने शूज़ लेने के लिए, मिला बैग, मिला 49 नंबर ढूंढ। मैं देने के जूते बताओ, मैं देने के जाओ लेके आओ, किसी ने मैं शूज़ फॉर नाइन जिसे ला रहे हैं मुझे उसे ले आओ, जाओ इसमें लेने देने, वीडियो बनानी है ले भाई। करण का करण भाई तेरी गलती नहीं है,
इसकी गलती इसकी है, इसकी 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 गलती है। आज तो मेरे पास होता करण, शिट यार, कम से कम एक घंटा, एक घंटा कम से कम। अमार साले को ओए करण भाई, मेरे सामने मार इसको। यस बाल खेच दे एक बार, बढ़िया करके इसको बाल खेच, बाल खेच दे, बस सही मार साले को। हमने लाए बस, ठीक है। चलो गाइस हो गया सीन भाई, चिढ़ा दिया, मेरे पास मकसद चिढ़ाने का था, मैंने चिढ़ा दिया। अब मैं जा रहा हूँ भैरवा मंदिर दर्शन करने के लिए। जैसे जैसे हाइट पे जा रहा हूँ ना, बस वैसे वैसे ना मुझे थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आ रहा कि थकान के कारण हो रहा है या फिर ऐसी सही सच में है कि ऑक्सीजन लेवल कम है। बाकी लगता तो नहीं ऑक्सीजन लेवल कम है, मुझे लगता है मेरा स्टेमिना कम हो गया। कैसे चेक करो, ये बैकवर्ड एरिया मंदिर का सही लग रहा है। चलो अब चलते हैं भैरवा मंदिर के पास। गए चेक कर, देखो ये है चढ़ाई, हमें इधर जाना है, इधर से वो ऊपर टॉप पे जाके एंड गैस वो रहा, देखो मंदिर वो, देखो पूरा मंदिर वो उतरा भैरव। हाँ वही है, वही है, वहाँ तक जाना है, वहाँ तक जाना है। चलो पागल है, तो मेरी काई सी हट रही थी। अबे अब तो सही है, अब आगे जाओ। गैस ये बेचारा नया नया है ना, तो उसको इतना पता नहीं है। चलो चलते हैं, देखो मैं पीछे, देखो अभी देखो बिल्कुल मैं इस शिला के बिल्कुल पीछे खड़ा हूँ, ग्लेशियर ग्लेशियर के बिल्कुल आगे खड़ा हूँ भाई लोग। भाई शिला के बिल्कुल पीछे खड़ा हूँ, पीछे खड़ा हूँ, सॉरी जो भी था गाइस, थोड़ा माइंड मत करना भाई। ये ठंडी हवा चल रही है ना, मस्त मस्त, चल हम पूछ चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मस्त ट्रैकिंग करने के लिए, ट्रैक करने के बाद हम लोग पहुँचेंगे भैरवा मंदिर, वहाँ दर्शन करके हम लोग भी वेट करेंगे करण का, उतर ही वेट करेंगे ऊपर चढ़ के, वहीं बैठ रहेंगे एक घंटे, वो लोग भी आ जाएंगे। गाइस अभी ऐसा आपको वो दिखा सकता हूँ जो हमें आपको नीचे से दिखा सकता, ये चेक करो गाइस, ये वो जगह जो पूरी आपदा आपदा ने पूरी कवर कर ली थी, फ्लड ने जो पूरी कवर कर ली थी। और अभी जो है भाई अभी सब कुछ ठीक है, एंड गाइस मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। गाइस ध्यान से देखो, ये पुल था जहाँ से हम लोग गए थे, ठीक है यार, ये चेक करो गाइस लाइन, ये जो लाइन है गाइस ये केदारनाथ धाम दर्शन करने की लाइन है। देखो भाई, ओ भाई इतनी लंबी लाइन, ये लाइन हमको फेस नहीं करनी पड़ी, हम लोग टाइम से उठ के आ गए थे और ये मस्त हवा चले ठंडी ठंडी, एक नंबर। और गाइस फॉग चेक करो यार, फॉग 2 सेकंड में फॉग आ गया, हम बुक वहाँ बैठा हुआ है, फॉग भाई फॉग 2 मिनट आ गए, 2 मिनट में। अभी राज भाई और सुशील और मयंक छोटा वाला वो दिन में आने वाला है, वहाँ ऊपर तक पहुँचते थे। गाइस ये जो लाइन आप चेक करो ना, ये लाइन जो है ये लाइन ऐसे घूम के ऐसे घूम के पूरा घूम के वहाँ तक, ठीक है, और फिर वहाँ से पूरा अंदर टीम की तरफ आके देन तब जाके वहाँ पर केदारनाथ धाम के दर्शन होंगे वहाँ पर। देखो तो कम से कम ये पूरा ट्रैक है 2-3 किलोमीटर का, इनके साथ तो पोपट हो जाएगा शाम तक पोपट हो जाएगा, नहीं है लेकिन हाँ क्योंकि 12 बजे जो है पंडित जी उठ जाते हैं। ये किसने तो बताया, वो पता नहीं इनको, 12 बजे वहाँ से हट जाते हैं, 2 बजे बैठते हैं, 2 बजे 10 बजे तक कोई मतलब नहीं बताया ऐसे करके। अब चलो हम ऊपर चलने आ जा, बाहर बाहर से दर्शन मिलेंगे और मिलेंगे भी तो। चलो बस देखो भाई इट्स ऑफ, ऐसे बंदे भाई देख रहे हो, दिल से भक्ति हो, दिलों भक्ति होनी चाहिए, कहीं पहुंच जाओगे। क्या बोला गंपू, एक हमारा मोटा हो दम तोड़ता बीच में उससे ऐसे कह रहा है, मुझसे नहीं चलाया सांस आ रही। बस चेक करो केदारनाथ बाबू के बाद भैरव बाबू के दर्शन हो गए। चलो अब चलते हैं और लड़कों को वेट करते हैं चल के। गाइस अब निकलने हम घर के लिए, भैरव दर्शन भी हो गए और केदारनाथ के तो वही गए थे, अप्रॉक्सीमेटली 4.5 घंटे में हमने केदारनाथ धाम और भैरवा मंदिर के दोनों के दर्शन कर लिए फाइनली। तो चलो गाइस अब निकलते हैं घर के लिए, हमारे साथ के बंदे जो है वो नीचे से आ रहे होंगे, उनसे मिलके नीचे निकलते हैं घर के लिए।